यूके की गल करते हैं ना, यूके भी एक नवे रूल चेंजिंग जोड़े होने जा रहे हैं, उस लगता कि स्टूडेंट ने प्रभावित हो सकते हैं उस। सर देखो जेडे ऑस्ट्रेलिया सॉरी यूके दे विच हुण रूल्स चेंज हो रहे हैं 2 जनवरी 2025 तो हो रहे हैं। जोड़ा बच्चा जैन एंड टेक लिए तो जोड़ा बच्चा अपलाई करेगा उन्होंने फाइल तो बिफोर तुम कह लो 31 दिसंबर तो पहला पहला सबमिट हो जाएगी तो उन्होंने फंड्स लैके इन्ना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जोड़ा बच्चा 1 जनवरी 2 जनवरी तो बाद अपलाई करेगा उन्होंने अपने फंड्स बढ़ा के दिखाने पैने हैं। तो थोड़ा अराउंड जोड़ा सिंगल स्टूडेंट जा रहा है 1 ईयर के जोड़े फंड्स है इन्हें लंडन ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 13.5 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.5 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000-1500 ਪਾਉਂਡ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ ਆ। 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਵਰੀ ਟੇਕ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अपलोड होगी उन्होंने फंड्स वधा के शो करने पैने है। तो जिन्होंने पहला अपलाई किया होया उन्होंने फंड्स में लैके हजे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम बाकी सानू दिते गए नंबर पर जानकारी लैके मॉर्निंग कॉल करके कन्फर्मेशन लै सकते हो। साढ़े को इस टाइम जनवरी इनटेक हैगा यूके दे विच ते तुसी अपलाई कर सकते हो। IELTS PT सारा कुछ एक्सेप्ट होंदा है। तुसी जेकर मतलब 6 पॉइंट हैगे थोड़े ओवरऑल या 51 नॉट लेस दैन 46 हैगे हैं तो तुसी PG UG दोनों कोर्सेस लिए अपलाई कर सकते हो। साढ़े को लंडन दे विच बहुत अच्छी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिहड़े लो PG स्कोर दे विच भी बच्चों नूं एक्सेप्ट कर रही है। तो तुसी सानू एक बार मिल के अपना प्रोफाइल शेयर करो, व्हाट्सएप करो, सानू ऑफिस आके चाहे खन्ने मोहाली जलंधर रायकोट जिते जिथे भी तुहानू कंफर्टेबल है तुहाडा नियर बाय पैंदा है तुसी उत्थे आके सानू मिलो तो अपना प्रोफाइल डिस्कस करो। उस हिसाब नाल असीं तुहानू गाइड करांगे। बिल्कुल मैम तुसी हुणे कहा भी लो PT स्कोर की विदाउट आइलेट्स जेड वाले बच्चे भी यूके अप्लाई कर सकदे आ। इस टाइम विदाउट IELTS बच्चा अप्लाई कर सकता है, सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा वाला बच्चा नहीं अप्लाई कर सकता। जेडे पंजाब बोर्ड तो पास आउट होंगे या हरियाणा बोर्ड तो, राजस्थान बोर्ड है, हिमाचल बोर्ड है या अदर बोर्ड है, दिल्ली बोर्ड्स हैं, वो बच्चा विदाउट IELTS अप्लाई कर सकता है। CBSE बोर्ड वाला बच्चा, ICSE बोर्ड वाला बच्चा विदाउट IELTS अप्लाई कर सकता है। सारे को लो PT च UG PG दोनों को है लंडन दे विच, स्पेशली लंडन दे विच सारे को 2 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं जिहड़ी लो PT एक्सेप्ट कर रही है, MOA बेसिस से एक्सेप्ट कर रही है। तो जो बच्चा जिन्हों के +2 च इंग्लिश नंबर वधिया है, CBSE बोर्ड पास आउट है, वो विदाउट IELTS भी यूके अप्लाई कर सकते हैं जनवन टेक लिए। बिल्कुल विदाउट आइलेट्स भी जेकर तुसी CBSE या ICSE बोर्ड तो पढ़े हो तो विदाउट आइलेट्स भी यूके जाया जा सकता है। तो मैम जेडे है इंटरव्यूज़ तो बहुत घबरा रहे हैं बच्चे, चलो USA का हमेशा इंटरव्यू नाल ही वीज़ा आता पर हुण कहंदे यूके च भी इंटरव्यू आने शुरू हो गए। किन्ना बच्चों ने आउंदे आ यानी कि उन्होंने कोई शक होंदा कि इसके डॉक्यूमेंट सही नहीं है जां इसने कोई फेक तो नहीं लाया कि हरेक दी ही इंटरव्यू आ रही है। सर यूके दे विच उन्होंने यूके दी यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरव्यूज़ तुसीं कह लो प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ मैंडेटरी करती हैं। करती क्यों हैं? क्योंकि कई बार बच्चे जदों वीज़ा लग जाता है एयरपोर्ट पर ट्रैवल करन लगते हैं तो जे उत्थे कोई पूछे उन्होंने कि तुसीं किहड़ी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, किहड़े कोर्स लिए जा रहे हो, तो बच्चे नूं पता ही नहीं होंदा। मैक्सिमम 50% क्राउड जिहड़ा है उन्होंने ये पता ही नहीं कि असीं किहड़ी यूनिवर्सिटी चलने, किहड़े कोर्स लेकर चलें या कोर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैगी है। तो उस करके ही हुण यूनिवर्सिटीज़ ने प्री स्क्रीनिंग रखी है बच्चे नू अवेयरनेस लई कि हाँ बच्चे नू प्रॉपर पता होना चाहिए कि स्पॉन्सर कौन है साडा, किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, किस कोर्स ले आ रहे हैं, आगे जाके की करांगे, वर्क राइट्स की हैं, वो सारा कुछ पता होए अवेयर करने वास्ते उन्होंने प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू रखा होया। तो ये 90% बच्चों नू आंदी है। बाकी जिन्हां दे हाई प्रोफाइल्स होणगे, हुण बैंड्स बहुत वधिया है, फंड्स बहुत पुराने पे है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैगे, एक्स सर्विसमैन हैगे, उन्हां नू चांसेस थोड़े लो होंदे है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटी साडे कोल विदाउट इंटरव्यूज़ भी हैगी हैं। इंटरव्यूज़ उन्ना टफ नहीं होंदा, इंटरव्यूज़ बेसिकली आही पुछदे हैं कि थोड़ा प्रोफाइल की हैगा, तो तुहानू कौन स्पॉन्सर कर रहा है, थोड़े पेरेंट्स की करते हैं, तुसीं साडी यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कीती, कि तुहानू लिविंग एक्सपेंस पता है, ट्यूशन फीस पता है, कॉस्ट पता है, कि तुसीं कित्थे रहोगे, आ बेसिक जे क्वेश्चन होंदे उस तों बाद तुसीं की करना। उहदी तैयारी जॉब स्टडी दी टीम आप करांदी है तुहानू। इंटरव्यू तो तुसीं टेंशन ना लो, उहदे जिन्ना वर्क 5 मिनट दी इंटरव्यू होंदी, 5-10 मिनट दी, उहदी तैयारी असीं आप करवाने आ जी। तो 90% तो उपर बच्चा क्लीयर करदा ही करदा, बिकॉज बेसिक इंटरव्यू है, इन्ना कुछ टफ नहीं है, बच्चा बस अवेयर होना चाहिए कि असीं चले क्यों है। मैम यूके दे विच एक होर गल बड़ी है कि यूके दे विच काम नहीं हैगा, यूके च लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਸਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰ 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सारे जिन्हें भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं टाइप 4 के अंडर अप्लाई करते हैं ये की है जोड़े कॉलेजेस होंगे प्राइवेट असी रिकमेंड नहीं करते असी यूके जो प्रमोट कर रहे हैं तो विद यूनिवर्सिटीज़ ही करते हैं बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ मैक्सीम अप्रूवड होंगी है टाइप 4 के अंडर होंगी है तो उन्होंने बंद होने के कोई चांसिज होंगे नहीं अज तक कोई यूनिवर्सिटी ऐसी भेजे बच्चे बंद हुई हो एवं होया नहीं है चाहे पब्लिक है प्राइवेट है यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपर अप्रूवड हैगी है थोड़ा कोई प्रॉब्लम फ्यूचर नहीं आऊगी बट जो तुम कम नू लैके कहते हो देखो जो प्लस टू वाला बच्चा है प्रोफेशनल नहीं है तो स्टार्टिंग बच्चे नू थोड़ा फेस करना पैंदा है थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पैंदा है तो घबराने की लोड़ नहीं है कम थानू मतलब स्लोली स्लोली ही मिलता है थानू इमीजिएटली तुसीं कहो कि अज असी यूके पहुँचे तो कल सानू कम मिल जाए तो वो पॉसिबिलिटीज़ किसी भी कंट्री च नहीं होंदी है लक है कि कई बार बच्चों मिल भी जाता है इमीजिएटली कम कई बार थोड़ा स्ट्रगल करना पैंदा है तो तुसीं तुहाडे प्रोफाइल के हिसाब नाल तुसीं इत्थों कोई प्रोफेशनल कोर्सेज करके जाओ छोटे मोटे बहुत सारे आ जाते हैं कुकिंग के हो गए हेयर ड्रेसिंग के हो गए तुसीं पार्लर वगैरह कहा बुटीक वगैरह का कुछ भी तुहानू आंदा स्टिचिंग एंड ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज करो तुसीं अपना काम कर सकते हो साइड बाय साइड बिकॉज इन्हां दी भी बहुत डिमांड होंदी है बाहर तो तुसीं जे छोटे मोटी कोर्सेज करके गए हो तो तुहानू उन्ना सफ़र नहीं करना पैंदा उत्थे बिल्कुल जेकर तुसीं अपने हत्थी कोई काम सीख के जाते हो किसी भी कंट्री जाते हो तो तुहाडे कोल कोई स्किल हैगा तो तुहानू काम लभण दी प्रॉब्लम्स नहीं आउंदियां ते नाल दी नाल मैम स्टडी दी जे आपां गल करिए स्टडी किस तरह दी है यूके दे विच कोर्स सिलेक्शन जिवें हुण कनेडा दे विच कुछ कोर्स उन्होंने करते हैं भी ये कोर्स करोगे तो तुहानू वर्क वीज़ा मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा है ना तो कि यूके दे विच भी इस तरह के कोई कोर्सेज हैगे है जिन्होंने करके स्टूडेंट नूं उत्थे काम भी मिल सकता है तो कल नूं वर्क वीज़ा लैण दे विच भी ज़्यादा मुश्किलां ना आउण जां उन्हां नूं सौखे तरीके नाल मिल सके सर देखो यूके दे विच एक्चुअली ऐसा कोई मतलब है नहीं है कि तुसी प्लस टू करके बच्चा जे आ रहा है यूजी प्रोग्राम ले अंडर ग्रेजुएट डिग्री ले आ रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले आ रहा है देखो यूके सबसे बेस्ट कंट्री है एजुकेशन दे विच जेकर तुसी डिग्री करना चाहते हो मास्टर्स करना चाहते हो थोड़ी मतलब मेन मोटिव हैगा स्टडी तो तुसी यूके चूज़ कर सकते हो डेफिनेटली बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन यूके प्रोवाइड करता है तो मास्टर सिर्फ 1 साल की है बाकी सारी कंट्री इंकलूडिंग इंडिया 2 साल की ही डिग्री ऑफर करता है थोड़ा मास्टर्स की यूके ही सिर्फ एक कंट्री हैगी है जी मास्टर डिग्री 1 साल की थोड़ा प्रोवाइड करता है वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा जॉब प्लेसमेंट के नाल करती है जेकर तुसी प्लेसमेंट लेना चाहते हो जॉब प्लेसमेंट तो तुसी उहदे लई भी अप्लाई कर सकते हो उहदे विच बहुत सारे ऑप्शनस है 12 महीने विदाउट प्लेसमेंट है 15 तो 18 महीने विद प्लेसमेंट है तो थोड़े को बहुत ऑप्शनस है बाकी बच्चा जो भी प्रोफाइल है बच्चे उस हिसाब नाल ही असी कोर्स सजेस्ट कर सकते हैं यूके दे विच वर्क परमिट नूं लैके कोई इशू नहीं हैगा कि जेकर बच्चा मैडिकल दे विच या हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट या आई टी सैक्टर दे विच आ रहा है तो वर्क परमिट नहीं होगा उहदे विच हर कोर्स दे विच जिन्हें बच्चे ने डिग्री विच आना है मास्टर डिग्री के आना उन्होंने वर्क परमिट मिलेगा सिंगल स्टूडेंट नूं स्पाउस उन्होंने मना करते हैं बंद किए हुए हैं तो स्पाउस अलाउड नहीं है सिर्फ